नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, तो आज मैं 10 थाटों का वीडियो लेकर के आया हूँ। साथियों, ये हैं वो थाट। तो यहाँ मैं इसको रखूँगा तो वीडियो नहीं बन पाएगा, तो चलिए मैं आप इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे आपके सामने ये 10 थाट आएंगे, किस तरह से आपको इनको याद करना है और कैसे कौन कौन से स्वर इसमें लगते हैं, ये सब कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पीले वाले टिक लगे हुए हैं ये कोमल और तीव्र मा के स्वर हैं। ठीक है, तो साथियों हमारे 10 थाट होते हैं, इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हर गाना किसी ना किसी थाट पर आधारित होता है। चाहे वो आरती हो, चाहे भजन हो, कोई भी गाना हो, किसी किस्म का भी कुछ भी हो, 10 थाटों में से किसी ना किसी थाट पर जाकर आधारित होता है। इसको दिमाग में कैसे बिठाएं ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। इसको दिमाग में बिठाना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, क्योंकि ये मान के चलिए ये एक किस्म की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसी से राग बनते हैं थाट से। ठीक है, और राग भी इसी से ही बनते हैं। चलिए, तो मध्य सप्तक की पहली काली से हम इसको बजाना सीखेंगे 10 थाटों को। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले थाट में कोई भी पीला टिक नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें सारे के सारे स्वर बिलावल, जो हमारा थाट है, इसमें सारे के सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। तो चलिए ध्यान से वीडियो को देखना। तो सारे गामा पादानी सा सानी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरीके से अब ये हमारा थाट नंबर एक हो गया। ठीक है, आपको अगर इसको आप पहले धीरे बजाइए 10 थाटों को, फिर तेज बजाइए। अब इसका याद करने का तरीका यही है कि अब आप इसके बाद कल्याण थाट लीजिए दूसरा, इसमें केवल तीव्र मा लगेगा। किस तरह से देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो इसमें केवल ये तीव्र मा लगा है, बाकी के सुर इसमें शुद्ध लगे हैं, दो हो गए। चलिए अब तीसरे थाट की बात करते हैं। तीसरा थाट है खमाज। खमाज में साथियों कोमल नी लगती है केवल, बाकी के सुर इसमें शुद्ध लगेंगे। ठीक है, तो किस तरह से इसको बजाते हैं चलिए। तो अब ये मान के चलिए कि जो बिलावल थाट है इसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में कल्याण थाट में तीव्र मा है और जो अभी मैंने थाट बजाया है खमाज, इसमें नी है। ठीक है, तो ये तीन आपको बहुत जल्दी समझ में आ गए होंगे। चौथा थाट है हमारा काफ़ी। ठीक है, तो चलिए काफ़ी को देखते हैं। काफ़ी में दो स्वर आप जैसे कि देख रहे हैं, गा कोमल लगेगा और नी कोमल लगेगा। ये गा कोमल है और ये नी कोमल है। ठीक है, तो चलिए इसको बजाते हैं। तो देखिए अब थाट नंबर है हमारा 5। चार हो गए, बिलावल हो गया, कल्याण, खमाज, काफ़ी। अब पांचवा थाट हमारा है भैरव। भैरव में देखिए रे कोमल है और धा कोमल है, ये वाला। तो इसको अब इसको बजाते हैं, देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया रे कोमल है और धा कोमल है, पांचवें थाट पे थाट भैरव। ठीक है साथियों, अब थाट नंबर है मारवा। तो देखिए मारवा में रे कोमल है ठीक है, और उसके बाद तीव्र मा है मारवा में, बाकी के सुर इसमें शुद्ध लगेंगे। तो किस तरह से, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा। ठीक है, तो साथियों ये हमारा थाट छठा था मारवा, आप देख वो सॉरी हाँ मारवा देख सकते हैं। अब थाट नंबर है पूर्वी। तो देखिए पूर्वी में रे कोमल है, ठीक है, तीव्र मा है और धा है। ठीक है, रे, तीव्र मा और धा,
तीन सुर इसमें कोमल लगते हैं पूर्वी में, तो देख किस तरह से रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। हर थाट की फीलिंग अलग है, हर थाट का जो आवाज़ है आप देखेंगे जब भी आप थाट बजाएंगे तो आपको हर थाट का अलग लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सात, अब थाट बचे तीन। अब आठवां है असावरी। ठीक है, असावरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें गा कोमल लगेगा, धा कोमल लगेगा और नी कोमल लगेगा, यानी गा धा नी तीन सुर कोमल हैं। आप देखना टिक में भी पीले वाले जो टिक हैं ये देखना असावरी राग में। ठीक है, तो थाट में सारे गा मा पा धा तो साथियों ये हमारे आठ हो गए। अब दो थाट बचे हैं भैरवी और तोड़ी। तो भैरवी आप जानते हैं कि इसमें रे गा धानी चारों को चारों स्वर कोमल लगते हैं, आप टिक भी देख सकते हैं लगा हुआ, रे कोमल गा कोमल धा कोमल और नी कोमल। ठीक है, बाकी के स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा। साथियों ईमानदारी की बात यह है कि यदि आप ये 10 थाट अगर याद कर लेते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत जल्दी से हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये भैरवी है। अब एक थाट बचा है हमारा दसवां तोड़ी। तो तोड़ी में आप देखिएगा सा रे कोमल है, गा कोमल है, तीव्र मा है, ठीक है, और उसके बाद धा है। इसमें चारों चार सुर लगते हैं। ठीक है, इसमें नी नहीं लगता है। ठीक है, तो सा तोड़ी में सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अगर साथियों आपने ये 10 थाट आप याद करके देखिएगा आपको समझ में, फिर आप कहेंगे कि हाँ वाकई ये हमें याद करना चाहिए था। साथियों मैंने आपको बताया ये आप देख रहे हैं सीरियल वाइज सीरियल, आप इसको बजाना सीखें बहुत जल्दी आप आपके दिमाग में आ जाएगा। मैंने आपको बताया पहले आप बिलावल कल्याण और खमाज ये तीन और एक काफ़ी ये चार थाट पहले कीजिए, उसके बाद भैरवा भैरव मारवा और पूर्वी। ठीक है, उसके बाद फिर असावरी भैरवी और तोड़ी। इस तरीके से अगर आप इसको बजाएंगे थाटों को बजाएंगे तो आपको सुर ज्ञान भी बढ़ेगा, आपका गला भी सेट होएगा और सब कुछ आप ये मान के चलिए। ये मैंने आपको बताया कि ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अगर आपने ये 10 थाट सीख लिया, अब मैं एक बार आपको देखिए इसको एक बार बजा करके दिखाता हूँ 10 थाटों को, देखना। बिलावल कल्याण खमाज काफी भैरव मारवा पूर्वी ठीक है असावरी पूर्वी बहुत सॉरी भैरवी तोड़ी तो साथियों इस तरीके से आप अगर एक बार इसको बजा लेंगे थाटों को अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो अपने तो मैं बताता हूँ कि मेरे को काफ़ी ये समझ लीजिएगा 10 थाट जब मैंने याद कर लिए हैं तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है और हर गाने का ये पता भी चल जाता है ये कौन से थाट पे आधारित है। तो साथियों मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।